तो हम लोग निकल चुके हैं, तीसरी बार रुके हैं सिग्नल पे। ये 180 सेकंड का सिग्नल है और तीसरी बार रुक चुके हैं। और पीछे भी सारे सिग्नल दिल्ली के ऐसे, इतने ज़्यादा ट्रैफिक हो गया दिल्ली में, पूछो ही ना। समय बज रहा है शाम के 5:40, रुपया अंधेरा हो चुका है रितु। ये वो समय है जब मैं अपने जन्मदिन पे अभी भी थाने के अंदर था। 6 बजे मेरी हुई थी, क्या बोलते हैं, बेल, 5:30 के आसपास बेल हुई थी। 6 बजे के आसपास मेरी फोटो खींची गई थी, जो वायरल हो गई थी। उसके बाद फिर हम घर आए थे 8 बजे। 8 बजे नहा धो के हमने केक काटा था, फिर थोड़ी राहत की सांस ली थी। फिर हमें समझ में आया कि ये दिन अब हो चुका है, बर्थडे, हैप्पी बर्थडे हो चुका है। उसके बाद समझ में आया कि जिंदगी में हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। मुझसे बदला लेना चाहिए। लेकिन एक चीज है, मेरे बचपन में पिताजी, सबके पिताजी कहते होंगे, पेरेंट्स कहते होंगे, बेटा मेहनत करो, सफलता आपको चूमेगी, सफलता चूमेगी। मेरे को आज तक सफलता नहीं मिली, मैं ढूंढ रहा हूँ। किसी लड़के का नाम है सफलता, कट गया। तो ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं, 5 मिनट दिखा रहा है। तो आज है यहाँ पे डीजे स्नेक। तो मैं आपको बताता हूँ कि सुसु की वजह से, वॉशरूम की वजह से सारा प्लान चौपट कैसे हो गया। रितु के लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया था और डीजे स्नेक का सनबर्न के साथ जो स्टेज शो था दिल्ली में, उसमें कैसे ही करके हमें परमिशन मिल गई स्टेज पे जाने की, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। लाइक इंटरनेशनल आर्टिस्ट जब आते हैं तो कुछ ही एक्टर्स होते हैं जिनको स्टेज पे जाने की परमिशन मिलती है, बट समहाउ वी वर लकी, हमको मिल गई डीजे स्नेक का शो यहाँ पे। तो मैं रितु को बर्थडे में डीजे स्नेक के शो पे लाया कि थोड़ा सा कुछ अलग सा करते हैं। और डीजे स्नेक के बारे में आपको सबको पता ही होगा, जो भी लोग अंग्रेजी म्यूजिक सुनते हैं या लड़कियों के सामने कूल बनने के लिए अंग्रेजी म्यूजिक सुनने की नाटक करते हैं, सबको डीजे स्नेक के बारे में पता होगा। अगर आपने डीजे स्नेक के बारे में नहीं पता तो आई एम श्योर आपने उसका म्यूजिक तो सुना ही होगा, बट ये नहीं बताओ कि वो डीजे स्नेक है। क्योंकि मैं जब कम्पीट करता था तो जिम में मेरी प्लेलिस्ट, पूरी जिम में डीजे स्नेक की प्लेलिस्ट होती थी। बहुत अमेजिंग ईडीएम म्यूजिक है उनका, और उनकी नाम डीजे स्नेक कैसे पड़ा उसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, वो रितु बताएंगी। लेकिन अभी हम लोग पहुंच जाते हैं क्योंकि थोड़ा सा लेट हो रहा है। गजब भीड़ लगी भाई, गजब भीड़। हम लोग अभी बिल्कुल पीछे के गेट से हम लोगों ने एंट्री ली है, कहीं जा रहे हैं पीछे से। अगर ये स्पेशल अलग से एंट्री करी गई है हमारे लिए, आपको स्पेशल जहाँ से डीजे स्नेक आएगा ना, करते हो वहाँ से एंट्री मिली आपको। ये पार्क कर दे क्या, पार्किंग कर डाली है। हमारा टाइम था 6:30 स्टेज पे जाने का, 6 बजे वहाँ पहुँचने का, 1 घंटे का रास्ता हमारे घर से कॉन्सर्ट पे जाने का। उस दिन फॉर सम रीजन हमें लग गए 2 घंटे, बट फिर भी हम पहुंच गए थे। अब लेकिन हमें ये आइडिया नहीं था कि जो अंग्रेज लोग होते हैं वो किस हिसाब से शो रन करते हैं। तो शो का मैनेजमेंट होता है वो इंडियन होता है, लेकिन जब शो एक बार चालू हो गया तो उनकी टीम ओवरटेक कर लेती है जब डीजे स्नेक को आना होता है। हम लोग पहुंचे, हमने कहा ठीक है। जैसे ही हम पहुंचे हमारे स्टेज जाने का टाइम आ गया था, लेकिन हमें इतनी जोर से सुसु लगी थी, हमने कहा भाई एक काम करते हैं, पहले सुसु कर लेते हैं फिर चलेंगे स्टेज पे, क्योंकि सुसु में कितना टाइम लगेगा, बस करके आ रहे हैं, हमें क्या दिक्कत है। चलो भाई, तो अभी डीजे स्नेक की टीम करी थी प्ले, वो हो चुका है समाप्त। अब हम लोग जाएंगे स्टेज पे और उसके बाद जाएंगे डीजे स्नेक, रितु को हैप्पी बर्थडे मनाने स्टेज पे मनाएंगे। रितु चलो, थैंक यू, सरप्राइज किया, इतना मैं एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे। लेकिन तेरे को ये तो पता है स्टेज पे जा रहे, लेकिन ये नहीं पता स्टेज पे करेंगे क्या, ये नहीं बताना। तो तूने प्लान किया तो है कुछ? कुछ नहीं, ज्यादा कुछ नहीं करेंगे, एक्सपेक्ट ना कर, बस जेल नहीं जाएगी तो ये सोच। Tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems. I solve them, I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage, I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. A foe in affection, I summon and हिमांशु, इन्होंने अभी हमसे पहले यहाँ पे स्टेज पे अभी प्ले किया है। नाउ डीजे स्नेक टीम इज प्लेइंग। मुझे ऐसा पूछना है कि इस करियर में घुसते कैसे हैं? एक्चुअली इस लाइन में घुसने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि लोगों को क्लब में, और जो सबसे मेन रीज़न है, क्लब में एंट्रीज मिल जाती है, पार्टी करने का मौका मिल जाता है। एंड द मेन थिंग इज कि इंडिया में अभी इस चीज़ का क्रेज आ रहा है, लोगों को पसंद आ रही है चीज़। एंड आप करते कैसे, जैसे रेड यू लर्न, लोग यूजली यूट्यूब से शुरू करते हैं सीखना, फिर काफ़ी अकेडमीज भी हैं इंडिया में, अभी शुरू हो रही हैं,
पर यूजली लोग घर पर ही सीखते हैं सॉफ्टवेयर से. देर इज़ अ कंसोल फॉर एवरीवन, पर कोई अभी ऐसे स्टार्टिंग में कोई खरीदता नहीं है, सॉफ्टवेयर में मिल जाता है सब कुछ. कंसोल है जैसे जो डीजे स्नेक के पास होगा वो कितने तक का आता है? अराउंड 5 to 6 lakhs. तीन और डीजे आए थे जो उसके पहले जाते हैं बजाने, उसके बाद डीजे स्नेक जाता है. डीजे स्नेक का टाइम फिक्स था 8:30 से 10, 10 बजे शो की क्लोजिंग का टाइम था क्योंकि परमिशन नहीं होती 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर पे गाना प्ले करने की. पुलिस की परमिशन 10 बजे तक की थी और वो सुनते मैंने कहा पुलिस से पंगे नहीं लेने भाई. हम लोग चले गए सुसु करने, दूसरा डीजे चढ़ गया स्टेज पे. ठीक है भाई, वो जब उतरेगा तब हम चले जाएंगे. वो उतरा तो दूसरा डीजे चला गया क्योंकि शो थोड़ा लेट वैसे ही चल रहा था, थोड़ा सा लेट स्टार्ट हुआ था वो, तो 15 मिनट सब पीछे चल रहे थे. फिर जब तीसरा डीजे उतरा तो उतरा ही स्टेज पे 8:25 पे और 8:30 से डीजे स्नेक का टाइम था वहाँ चढ़ने का. फिर डीजे स्नेक आ गए. जब डीजे स्नेक आ गए तो फिर हमने उनसे मिला विला, उनसे साथ बातचीत की. वो ही वो स्वीट इनफ कि हमने साथ में केक कटिंग की. Yes, next time, you know, let's have like a dinner together. What happened last time on his birthday? I surprised him. There was a lot of gathering which happened at the metro station. That was a surprise. Bhavni, one more time, you have to take a picture. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vitu. Happy birthday, Ritu. Happy birthday to you. We're going to celebrate tonight. We're going to have a big party. And I have my friend, Ruby. Small feet. Can I ask you one question? So there are a lot of stories on the internet why your name is DJ Snake. Are those stories true? Tell me what you heard. I heard that you used to sneak out every time and your friends used to get caught, but you used to always, every time. Yes, because I was doing graffiti artists. Yeah. You know, I was doing graffiti in the streets. Uh-huh. And every time the police tried to get me, I was like... when she planned my birthday, a huge crowd came. Yeah. And then police came that I am, you know, took me to jail. I should have learned tricks from you and but I could not do that. So tonight for her birthday, let's not end up in jail. Yes. Let's have a good time. And we're gonna celebrate. That's the plan. Right? Oh, yes. Let's get it. डीजे स्नेक ने इतना भयंकर बेस चला दिया, सामान गिर रहा भैया. यहाँ इतना भयंकर बेस चल चुका है, बड़ी देर से हिल रहा यार, ये बहुत देर से हिल रहा. ये मेरे को लग रहा था गिरेगा, ये गिर गया भाई. क्या बेस चल रहा पीछे, ये लोग होंगे पीछे से निकले, लोग यही कर रहे होंगे. कौन था पीछे? अरे ये लोग पीछे चल रहे होंगे. रितु, हमें फिर भी आज थी कि जब डीजे स्नेक उतर के आ जाएंगे क्योंकि इतना प्रिपेयर किया, रितु का इतना स्पेशल डे, उसके बाद हम स्टेज पे चले जाएंगे.
तो डीजे स्नेक का भी चल रहा है लास्ट सॉन्ग, हम लोग निकल आए हैं क्योंकि भैया इसके बाद जो भीड़ होगी हम लोग घर नहीं जा पाएंगे। थोड़ा सा प्लान अपना मैसअप हो गया है। एक्चुअल प्लान क्या था मैं बताता हूँ आपको। तो रितु का एक्चुअली जो सरप्राइज प्लान किया था वो तो नहीं दे पाए, स्टेज पे जाने का था वो नहीं दे पाया, अगर वो हो पाता तो बहुत ही ऑसम हो जाता, बट फिर भी डीजे स्नेक के साथ केक काटा तो वो भी काफ़ी अच्छा लगा करके। हम भी जब थे एक बार जब नई नई नौकरी लगी तो हम भी गए थे बैंगलोर में, एक हुआ था कौन सा डीजे था मैं भूल गया, डीजे स्नेक आया हुआ, कुछ लोग बीन लेके भी आए थे, उसको तो कितनी जल्दी आती थी, उसको पूरा हॉर्न बजा के गया हमारे पीछे से भी, हमने उसको जगह दी थी रैन दोस्त को चाहे जो भी है रैन दोस्त को। तो रशी को फाइनली चॉकलेट केक मिल गया। क्या पसंद है, चीज़ केक की चॉकलेट केक? चॉकलेट केक इसका फेवरेट, चॉकलेट केक हमारा फेवरेट चीज़ केक। तो वी आर बैक होम, मैं खा रहा हूँ दाल चावल, रशी खा रही है चॉकलेट केक, और आज का दिन रहा ये नहीं, थोड़ा सा काफ़ी ज़्यादा कट गया अपना।